हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। नोवा स्कोशिया के रिगार्डिंग आपने कई बार सुना होगा, और जब भी आपने सुना होगा उसका एक ही रीज़न होगा, बिकॉज ऑफ इजी पीआर। यहाँ पे पीआर मिलना काफ़ी इजी है, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। दो तरीके से आप पीआर ले सकते हो, या तो आप पीएनपी में फाइल लगा के, या तो आप एआईपी के थ्रू। एआईपी क्या होता है, मतलब अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में चार प्रोविंस आते हैं, न्यू ब्रंसविक, नोवा स्कोशिया, प्रिंस एडवर्ड आइसलैंड एंड न्यूफाउंडलैंड एंड लैब्राडोर। यहाँ पे पीआर लेना काफ़ी इजी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि पीआर आप कैसे ले सकते हो अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, या अगर आप एलएमएम रिलेटेड जॉब पे या वर्क परमिट पे आते हो तो, और कितना आपको टाइम लगेगा। सो आई विल टॉक अबाउट प्रो एंड कॉन्स ऑफ लिविंग इन नोवा स्कोशिया। वीडियो को बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प रखूंगा, पॉइंट टू पॉइंट आई विल टॉक अबाउट इट, जो रियलिटी है। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी थिंग यू वॉन्ट टू आस्क मी, यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट सेक्शन। और कुछ पॉइंट अगर मिस भी हो जाते हैं मुझसे, और आपके बारे में कोई क्वेश्चंस भी होते हैं किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। एंड इफ़ यू वांट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जो भी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। सो फर्स्ट आई टॉक अबाउट द प्रो एंड कॉन्स ऑफ लिविंग इन नोवा स्कोशिया, एंड उसके बाद आखिरी में आपको मैं पीआर के रिगार्डिंग बताऊंगा एट द एंड, कि आपको यहाँ पे पीआर कैसे ले पाओगे और कितना ईजी है या डिफ़िकल्ट है, जो भी उसकी अभी लाइक रियलिटी है करंट सिचुएशन में। सो आई विल टॉक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। सो वीडियो की शुरुआत करता हूँ एंड स्टार्ट करते हैं प्रो से। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड एंड टेल यू अबाउट द प्रो, थोड़ा बहुत आपको मैं इस प्रोविंस के रिगार्डिंग बता देता हूँ कि प्रोविंस ये है कैसा। इट इज़ वन ऑफ द 13 प्रोविंस एंड टेरिटरीज ऑफ कनाडा, एंड वन ऑफ द 3 मैरिटाइम प्रोविंस, एंड वन ऑफ द 4 अटलांटिक प्रोविंस, जैसा आपको मैंने पहले कहा नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रंसविक, प्रिंस एडवर्ड आइसलैंड और न्यू फाउंडलैंड लैब्राडोर। तो ये एआईपी के अंदर भी आता है, इसको स्कॉटलैंड भी कहा जाता है, न्यू स्कॉटलैंड। और यहाँ की जितनी भी पॉपुलेशन है, अराउंड 90% जो पॉपुलेशन है वो नेटिव इंग्लिश पीपल ही है, लेकिन फ्रॉम लास्ट 3 to 4 years में काफ़ी इमिग्रेंट्स यहाँ पे आए हैं, और उनका सबसे पहला एक ही फोकस होता है, क्योंकि यहाँ पे घर खरीदना बहुत चीप है। इट्स वेरी इजी एंड इट्स क्वाइट इनएक्सपेंसिव टू बाय अ होम, और रेंट अकोमोडेशन भी काफ़ी चीप है एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर प्रोविंसेस। तीसरी चीज़ जो सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ईजी पी आर। यहाँ पे पीआर मिलना काफ़ी इजी है एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर प्रोविंस, बिकॉज इट कम्स अंडर द एआईपी प्रोग्राम। और पीएनपी भी काफ़ी इजी है, क्योंकि यहाँ पे सीआरएस स्कोर इतना हाई नहीं जाता। अगर आप स्किल्ड लेबर हो या किसी भी फील्ड में हो, चाहे आईटी हो, मेडिकल हो, रिटेल हो, मैनेजमेंट हो, आपको आराम से मिल जाएगा अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, या अगर आपने यहाँ से स्टडी करी हुई है तो। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो मेनली इंडस्ट्रीज़ है वो मेनली इंडस्ट्रीज़ आपको यहाँ पे शिपिंग से रिलेटेड या एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड है, या फिशिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड ही है। और इफ़ यू आर अ एडवेंचरस पर्सन तो दिस इज़ द प्लेस फॉर यू। तो यहाँ फर्स्ट प्रो तो है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़, एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है बट लिमिटेड है। लिमिटेड क्यों है, बिकॉज नंबर ऑफ इमिग्रेंट ज़्यादा आ रहे हैं, पॉपुलेशन काफ़ी आ रही है, रिफ्यूजी बहुत सारे आ रहे हैं, इवन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी काफ़ी आ रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटी है लेकिन लिमिटेड हो चुकी है, तो थोड़ी बहुत मारामारी है इन टर्म्स टू गेट अ जॉब। बट इफ़ यू हैव अ स्किल, अब स्किल आपके किस तरह के, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, मैकेनिकल हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो, कारपेंटर के रिगार्डिंग हो, मेकअप आर्टिस्ट, नेल पेंटिंग के रिगार्डिंग हो, अगर आपके पास स्किल्स है तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू गेट अ जॉब। अदरवाइज इट वुड बी वेरी वेरी हार्ड फॉर यू टू गेट अ जॉब। आपको जॉब मिल जाएगी बट आपको 2-3 महीने भी वेट करना पड़ सकता है टू फाइंड अ जॉब और टू गेट अ जॉब। अगर आप कैनेडा में हो, ऑलरेडी हो किसी और प्रोविंस में, अगर आप मूव ऑन होना चाहते हो नोवा स्कोशिया में, या अगर आप कनाडा आना चाहते हो अपनी होम कंट्री से, स्किल्स जरूर सीख के आना। इट वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू फाइंड अ जॉब एंड टू अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। अदरवाइज इट वुड बी अ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अर्न अ मनी एंड इवन टू पे अ रेंट, अकोमोडेशन, ग्रॉसरीज। तो इट्स बेटर टू लर्न स्किल्स। स्किल्स हो गए तो आपके पास ऑप्शन अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगी, वरना थोड़ी बहुत आपको डिफिकल्टीज होगी। दूसरी चीज़, रेंट अकोमोडेशन काफ़ी चीप है एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर प्रोविंस इन कैनेडा। यहाँ पे देखो भैया, कैनेडा में इन्फ्लेशन है, महंगाई है, बट स्टिल हैलिफैक्स में, नोवा स्कोशिया में रेंट अकोमोडेशन काफ़ी चीप है एज़ कम्पेयर टू ऑल। अगर आपको रेंट अकोमोडेशन के रिगार्डिंग कहो तो आपको आराम से एक प्राइवेट रूम आपको मिल जाएगा $350 to $450 के बीच में, नॉट इंक्लूडिंग यूटिलिटीज़। यूटिलिटीज़ के लिए आपको $100 और पे करना होता है। अगर 1 BHK अपार्टमेंट के रिगार्डिंग कहो या 1 BHK कॉन्डो के रिगार्डिंग कहो, तो आपको $900 से लेके $1100 के बीच में मिल जाएगा। इसमें भी यूटिलिटीज़ के लिए आपको $100 पे करना पड़ता है, मतलब बिजली पानी के लिए आपको पे करना पड़ेगा। अगर मैं 2 BHK के रिगार्डिंग कहूँ तो आपको ये $1300 से $1600 के बीच में मिल जाएगा, इवन नियर टू डाउनटाउन। बट करंट सिनेरियो में पॉपुलेशन काफ़ी आ रही है, इन्फ्लक्स ऑफ इमिग्रेंट्स काफ़ी है, तो लोग काफ़ी आ रहे डिफरेंट प्रोविंस से, अपनी होम कंट्री से। तो अभी करंट सिनेरियो में, आज अक्टूबर है 2023 है,
तो अभी थोड़ा प्राइस बढ़ रहा है बिकॉज इतनी प्रॉपर्टीज़ नहीं है, इतनी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ नहीं है, चाहे वो कॉन्डो हो, अपार्टमेंट हो, टाउन हाउस हो, तो थोड़ी बहुत आपको दिक्कतें आएगी। इवन यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो ना ऑनलाइन नहीं करते हैं, ऑनलाइन एडवर्टाइज़ नहीं करते हैं प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग फॉर द रेंटिंग के लिए। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको पहले एक हफ्ता 3-4 दिन आप एयरबीएनबी में लेना और वहाँ पे उसके बाद जाके थोड़ा बहुत सर्च करना आसपास कि आपको कहाँ पर रहना है, कौन सी जगह आपके लिए सूटेबल है, कौन सी लोकेशन आपके लिए बेटर है, और 5-6 लोगों से बात करो जहाँ पे आपका लाइक बैठे, आप वहाँ पे उस प्रॉपर्टी को चूज़ कर सकते हो, चाहे वो प्राइवेट रूम हो, टाउन हाउस हो, अपार्टमेंट हो, कॉन्डो, इट्स टोटली अप टू यू और आपका कितना बजट है। तो यहाँ जो थर्ड प्रो है वो है वेदर के रिगार्डिंग। वेदर काफ़ी मॉडरेट होता है, इतना हार्श क्लाइमेट, हार्श टेम्परेचर नहीं होता। विंटर्स होती है लेकिन बहुत कम टाइम के लिए होती है, इवन थंडर स्टॉर्म भी होते हैं लेकिन बहुत कम टाइम के लिए होते हैं एज कम्पेयर टू ऑल अदर प्रोविंस इन कैनेडा। बाकी प्रोविंस में लाइक ऑन्टारियो, क्यूबेक, सस्कैचवान, अल्बर्टा में विंटर्स काफ़ी हार्श होती है, टेम्परेचर -30, -40 जाता है, जो कि नोवा स्कोशिया हैलीफैक्स में ऐसा नहीं होता। इवन अगर मैं दिसंबर के महीने में कंपेयर करूं तो दिसंबर के महीने में टेम्परेचर नोवा स्कोशिया में 5 डिग्री 10 डिग्री होता है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर प्रोविंस में एक्सेप्ट ब्रिटिश कोलंबिया, वहाँ पर टेम्परेचर -30, -25, -40 डिग्री होता है। सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू अगर आप यहाँ पे क्यूबेक प्रोविंस में, ओंटारियो में रहते हो, टू गो आउटसाइड। अगर आप नोवा स्कोशिया में रहते हो तो इट्स वेरी मॉडरेट टेम्परेचर। अगर आपको विंटर्स नहीं पसंद, आपको हार्श विंटर नहीं पसंद है, सो नोवा स्कोशिया हैलीफैक्स इज़ फॉर यू। तो यार जो फूड प्रो है वो है क्राइम के रिगार्डिंग। क्राइम बहुत नेग्लिजिबल है यहाँ की जो कम्युनिटी है, यहाँ के जो लोग हैं, पहली बात तो जो लोग हैं यहाँ पे मैक्सिमम नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग पीपल है और नेटिव लोग हैं, तो लोग काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी क्राइम नेग्लिजिबल है, लोग अपने में रहते हैं एंड पीपल आर वेरी सपोर्टिव इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प। अगर आप रात को भी अपने ऑफिस से आ रहे हो, लाइक नाइट शिफ्ट से या इवनिंग शिफ्ट से भी आ रहे हो, तो इट्स क्वाइट कम्फर्टेबल टू गो आउटसाइड, चाहे वो लेडीज़ के लिए हो, चाहे बच्चे के लिए हो। तो क्राइम यहाँ पे काफ़ी नेग्लिजिबल है एंड पीपल नो ईच अदर वेरी वेल। तो फिफ्थ प्रो है वो है एजुकेशन के रिगार्डिंग। एजुकेशन यहाँ की काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छी है, डाइवर्स ऑप्शन है, डाइवर्स आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है, डाइवर्स आपके पास स्ट्रीम्स है, और यहाँ पे जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है, चाहे वो कम्युनिटी कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, या प्राइवेट कॉलेज हो, या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ही क्यों ना हो, दे ऑल आर अमेजिंग इन देयर ओन वे। और यहाँ पे जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है वो काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटीज़ है, आपको हर फील्ड से रिलेटेड आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपने यहाँ से एजुकेशन करी हुई है और आपके पास कोई भी आपने चाहे डिप्लोमा हो, सर्टिफिकेट कोर्स हो, या आपने ग्रेजुएशन या मास्टर्स भी क्यों ना करी हो, मिनिमम 2 ईयर्स के लिए आपने कुछ भी किया हो, तो अब ऑटोमेटिकली आप एलिजिबल हो जाते हो AIP प्रोग्राम के लिए। अब इवन आपके पास 0% 0 मंथ्स का एक्सपीरियंस भी क्यों ना हो, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन आपने मिनिमम 2 साल यहाँ पर पढ़ाई करी हुई है नोवा स्कोशिया में, तो अब ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो AIP प्रोग्राम के लिए, PR के लिए फाइल लगा सकते हो। लेकिन उसमें एक शर्त यह है कि आपको 2 साल के अंदर 16 महीने आप नोवा स्कोशिया में फिजिकली आप प्रेजेंट होने चाहिए। इवन आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो मैटर नहीं करता, लेकिन आप 16 मंथ्स वहाँ पर प्रेजेंट आप हो। सर आफ्टर गेटिंग एन PR, अब आपके माइंड में एक ही चीज़ होती है कि मुझे अब सेटल होना कैनेडा में, मुझे अब अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए घर खरीदना है। सो इट्स क्वाइट चीप एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर प्रोविंस इन कैनेडा। आपको हैलीफैक्स में, नोवा स्कोशिया में घर खरीदना बहुत सस्ता है, चाहे आप टाउन हाउस हो, अपार्टमेंट हो, कॉन्डो, एज़ कम्पेयर टू टोरंटो लाइक सिटी, एडमिंटन, कैलगरी, वैंकूवर, मॉन्ट्रियल, वहाँ पर काफ़ी एक्सपेंसिव है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप टोरंटो में 1 BHK अपार्टमेंट आप लेते हो, तो उसी 1 BHK अपार्टमेंट में, उसी प्राइस में आप हैलीफैक्स के अंदर 5-bedroom अपार्टमेंट ले सकते हो या 4-bedroom अपार्टमेंट ले सकते हो, एंड डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन। सो दिस इज़ द डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ अपार्टमेंट और इन टर्म्स ऑफ टू गेटिंग का अपार्टमेंट इसी प्राइस में। तो हर सिटी के, हर प्रोविंस के प्रो होते हैं तो उसके कॉन्स भी होते हैं, और कोई भी जगह, कोई भी सिटी, कोई भी प्रोविंस परफेक्ट नहीं है, एंड सेम गोज़ टू नोवा स्कोशिया। अगर सिर्फ नोवा स्कोशिया के आपने प्रो तो सुन ली, अब इसकी कॉन्स क्या है? अगर मैं को पब्लिक हेल्थ केयर के रिगार्डिंग कहूँ तो पब्लिक हेल्थ केयर यहाँ पे टोटली कोलैप्स है, बिल्कुल ख़राब सर्विस है। इवन यहाँ पे मेडिकल सर्विस की बहुत कमी है, डॉक्टर्स की बहुत कमी है, नर्सेस की बहुत कमी है। वैसे तो ये पूरे कैनेडा में ही इशू है, सिर्फ नोवा स्कोशिया की रिगार्डिंग नहीं है, लेकिन नोवा स्कोशिया में कुछ ज़्यादा ही बड़ा इशू है। सेकेंड चीज़, यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे पब्लिक बस है और फेरीज़ है, जो काफ़ी चीप है, लेकिन इतनी भी चीप नहीं है, लेकिन ओवरऑल ठीक ठाक है, लेकिन सर्विसेज मतलब डावाडोल ही है, इतनी कुछ अच्छी सर्विस नहीं है। ओवरऑल सर्विस ठीक ठाक है, लेकिन इफ़ यू वांट टू गो फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B तो आपको इतनी इश्यूज नहीं आएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी सिटी नहीं है।
इवन आप वॉक करके भी जाओ तो आप 45-50 मिनट्स में आप पहुंच जाओगे। और अगर आपके पास बाइसिकल है, इवन आपके पास गाड़ी नहीं है, अगर आपके पास बाइसिकल है तो भी आप आराम से आधे घंटे में पहुंच जाओगे। और आपके पास गाड़ी है तो आप नॉर्थ से लेकर साउथ तक के एंड तक, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, आप कहीं भी आराम से विद इन 15-20 मिनट्स में आप आराम से पहुंच जाओगे, क्योंकि इतना ट्रैफिक नहीं होता और क्लाइमेट भी काफ़ी अच्छा है, तो इतना ट्रैफिक नहीं होगा तो आप आराम से यहाँ से वहाँ जा सकते हो। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग आपको इश्यूज आएंगे, बट चीज़ें पंचुअल है, अपने टाइम पे आती है। बाकी मैं कॉन्स पे एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा, अभी रेंट अकोमोडेशन नोवा स्कोशिया में हैलिफैक्स में थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो चुका है बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स और इन्फ्लक्स ऑफ इमिग्रेंट्स काफ़ी आ रहे हैं डिफरेंट प्रोविंस से, डिफरेंट कंट्रीज से। सो माइट बी अभी आपको चीज़ें मुश्किल और महंगी मिलेगी और आपको रेंट जो है काफ़ी एक्सपेंसिव मिलेगा। ये इसका प्रो भी है कॉन्स भी है, लेकिन इट्स ऑल डिपेंड कि आप किस लोकेशन पे आप घर ले रहे हो और घर कितना मॉडर्न है। जितना मॉडर्न होगा अपार्टमेंट कॉन्डो होगा और जितनी आपको फैसिलिटीज उसमें प्रोवाइड की जा रही है उतनी ही वो चीज़ें महंगी होगी। अगर वो नियर टू डाउनटाउन है वो उतना ही एक्सपेंसिव होगा, अगर वो डाउनटाउन से दूर है, थोड़ा पुराना है घर है या पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है तो वो उतना ही इनएक्सपेंसिव होगा। इट्स ऑल डिपेंड कि आपको किस तरह की यूटिलिटीज़ आपको वहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। सो वीडियो को मैं पेंट करता हूँ, एंड वीडियो को पसंद आती है लाइक शेयर जरूर करना, माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, और मुझे आप इंस्टाग्राम पे डीएम भी करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, माई आईडी इज नवल डॉट चावला। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योर लाइफ, टेक केयर।